मुझसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा कि तकरीबन 4-5 घंटे हो गए यहाँ पे। ये मुझे जावेद ने आइडिया दिया था, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए कुछ लगा दूंगा और रिंग लाइट मैंने ऑन कर दी है, सेटअप मैंने आप लोगों को समझा दिया, आईफोन से वीडियो बहुत अच्छी बनती है। क्लोज आपको दिखा देती हूँ अपना मेकअप। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा DMs भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे, आप कहाँ आए हैं। कुछ दिनों तक आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ बिजी थी और रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे। आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ डेली अपनी लाइफ शेयर करूँ। मेरी बहन है, बहुत सारे फॉलोवर्स जो कि मेरे मेकअप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मिस कर रहे थे मेरे मेकअप को, सोचा कि आप लोगों के साथ एक मेकअप वीडियो शेयर करूँ, शायद मेरी लास्ट मेकअप वीडियो होगी। काफ़ी कुछ फैला हुआ है, उसको आप इग्नोर करना है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सेटअप में किस तरह करती हूँ, वो भी आप देख लें, और मेकअप से पहले मैं क्या क्या चीज़ों की तैयारी करती हूँ वो भी देख लें। स्किन की मैंने तैयारी कर लिया, प्रेप कर लिया, मैंने सिंपल वजू कर लिया क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है। मेकअप रिमूव करके फिर वजू करना और नमाज पढ़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पहले मैं वजू करती हूँ, उसमें ही आजान हो जाती है, तो फिर मैं साथ नमाज पढ़ रही होती हूँ। विंडो के पास खड़ी हूँ इसलिए आपको शोर आएगा। चले मैं आपको लेके चलती हूँ कि मैं किस तरह सेटअप करती हूँ, किस तरह वीडियो आप बना सकते हैं। अगर आप लोग भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से मेकअप वीडियो शूट कर सकते हैं, दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से सेटअप होता है। ये बॉक्सेस वगैरह, ये चीजें सब कुछ आपने इग्नोर करना है। PR बॉक्स आया हुआ था, बहुत अच्छे शेड है, तो इसके साथ में हो सकता है इस शेड के साथ मेकअप करूं। जी मेरे मेकअप की तैयारी होती है। ये भी PRs आए हुए हैं, कुछ ये PRs मैंने ओपन करके रखे हैं, इनसे कोई चीज़ चाहिए होगी तो वही यूज़ करूंगी। मैं एक फ़ोन रख लेती हूँ जिसमें मैं कोई ड्रामा वगैरह लगा के देख लेती हूँ, वैसे तो मेरा ध्यान नहीं होता क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो बस मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे से जावेद गुजर रहे हैं, मेरे रूम में जावेद आ रहे हैं, तो वो फीलिंग होती है। तो मेकअप वीडियो इसीलिए मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रशेस निकाली हैं, लूज पाउडर, फाउंडेशन, यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें होती हैं। जी रिंग लाइट का सेटअप देखे ना, इस तरह से कुछ सेटअप होगा। मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ, इस तरह से इसकी मैं लाइट बंद कर देती हूँ। ये देखिए, अब आपको सही क्लियर पता चलेगा। यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे जावेद ने ही आइडिया दिया था, मैं दिया था कि वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए कुछ लगा दूंगा, तुम ये हैंग कर लिया करो ना, क्योंकि मुझे होता था कि मैं ट्राईपॉड पे अपना फ़ोन लगाऊं, रिंग लाइट जो है ना सामने हो बिल्कुल। तो ये आइडिया मेरे हस्बैंड का ही था, अल्लाह ताला उनको उस जहान में सारी खुशियां दे जिस तरह वो मेरे लिए थे, जिस तरह उन्होंने मुझे रखा, जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया एक फ्रेंड की तरह, मेरे साथ खड़े रहे हमेशा। ये छोटे छोटे आइडियाज ना उन्हीं के थे कि इस तरह से इसकी वायर को आपने रखना है, और ये लाइट्स सारी उन्होंने लगा के दी थी मिरर पे, अभी तक उन्हीं के हाथों की लगी हुई है लाइट्स भी। रिंग लाइट उन्होंने मुझे बताई थी कि इस तरह हैंग किया करो, तो इस घर में आके मैंने हैंग की थी। ये वाली जो वैनिटी लाइट्स है ना, ये मैं बंद कर देती हूँ। इस तरह बंद करके सिर्फ एक लाइट होती है जिसपे मैं मेकअप वीडियोज, क्योंकि आईफोन अगर आपके पास है ना, आपको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है। अगर आप सनलाइट में या तो आप वीडियो बनाए, आईफोन से वीडियो बहुत अच्छी बनती है। इसी एक आम से रिंग लाइट है, ये दोनों छोटी छोटी रिंग लाइट है। अगर आपको वीडियो बनानी है तो आप लोग इस तरह सेटअप करके बनाए, बहुत जी आप लोग मुझे दुआएं देंगे। सारी दुआएं डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को जाएंगी, उन्होंने मुझे ये सेटअप समझाया था। यहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ और इस तरह से ये मेरा सेटअप होता है, और यहाँ पे आराम से ना कैमरे को यहाँ पे सेट करती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊं ना, लाइट्स ऑन, यहाँ पे फोन होता है, बैक कैम से आपने हमेशा वीडियो बनानी है आई मेकअप की, इस तरह से बैक कैम यूं मैं यूज करती हूँ, यहाँ खड़ी होती हूँ। आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है, आपकी आंख, आपने एक आंख लेनी है, दो आंखें लेनी है, उस हिसाब से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आईफोन के लिए बहुत आसान होता है, और एक रिंग लाइट छोटी सी है मेरे पास नॉर्मली, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, सारा कुछ मैंने टिप्स बता दी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग मुझे देख रहे थे और बोल रहे थे कि आप प्लीज अपना सेटअप शेयर करें, फोन शेयर करें, तो मैं आईफोन यूज करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब मैं यहाँ पे कैमरा लगाऊंगी, खड़ी होंगी और वीडियो स्टार्ट करूंगी। अब आपने बोलना नहीं है, ठीक है, मैं वीडियो बना लूँ। अच्छा, इस तरह से अब मैं कैमरा लगा लेती हूँ। अब ये आईफोन का कैमरा है तो ये जूम हो जाता है, तो मैंने काफी जूम कर लिया। अब ये आप अपने आंखों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कितना जूम करना है और कितना नहीं। अब मैं ज्यादा देर पंखे को बंद नहीं रख सकती, पंखा चलाऊंगी क्योंकि 42-43 टेम्परेचर है इस वक्त पिंडी का। तकरीबन 4-5 घंटे हो गए, मेकअप करने में टाइम नहीं लगता लेकिन मेकअप वीडियो को शूट करने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह से फिर रिव्यू वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारे हालात होते हैं जब मेकअप वीडियो बन जाती है, तो एक मेकअप वीडियो के पीछे इतना टाइम लगता है। और पंखा चलाया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और रिंग लाइट मैंने ऑन कर दी है, सेटअप मैंने आप लोगों को समझा दी। क्लोज आपको दिखा देती हूँ अपना मेकअप, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ इस तरह से। अभी मैंने पंखा बंद किया, आप लोग मेरी बेस, मेरा मेकअप देख सकते हैं। आप लोग मेरे मेकअप को इतना पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब मैं समेटूंगी, और अब मैंने मास्क उतार दिया, और मेरे हाथों का शर देखें, बाकी शूट्स भी किए हैं, अभी तक मेरा मेकअप वैसे ही है। और बहुत सारे लोग बेस का, अच्छी बेस का पूछ रहे होते हैं,
अब ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी नई वीडियोज़ आने वाली हैं, मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट्स में ये चीज़ें मैं शेयर किया करूँगी। अभी मैंने फ़ोन चार्ज पर लगाया हुआ है और साथ में बात कर रही हूँ। मुझसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा कि 5 बजे से वीडियो शूट करना शुरू किया, अभी 9:30 हो रहे हैं। इतनी मेहनत लगती है मेकअप वीडियोस में। चले अब मैं जल्दी से समेट लूँगी। कुछ पीआरस मैंने यूज़ किए हैं, कुछ नहीं। पीआर अनबॉक्सिंग भी आप लोग के साथ शेयर करनी है। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं हर चीज़ की डिटेल आपको देती रहती हूँ। और आप लोग मुझे वहाँ डायरेक्ट भी डीएम कर सकते हैं मेकअप बुकिंग्स के लिए, क्लासेस से रिलेटेड। दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।